ये यहाँ से आए हम ये ऊपर, और ये रोड का काम चल रहा है जगह जगह पे, BRO। बड़ी गंदी रोड थी, गाड़ी चलाई बड़ी गंदी थी भाई, बहुत ऊंचे जा रहे हैं हम तो। नीचे लंबी खाई बन गई है, लंबी खाई खाई खाई, सड़क का किनारा, जीवन का किनारा। यहाँ तो स्लो चलना पड़ेगा। चेक योर नर्व्स ऑन माय कार। तो भाई ये बहुत ही गंदा पैच है, अभी तक मिला है मुझे पूरे कल और आज के राइड पे। एक तो बहुत छोटा है और ऊपर से जगह जगह रोड ख़राब है, बिल्कुल बिल्कुल स्टीप ढलान है, स्टीप क्लाइंब है, बहुत बुरा हाल है। और ये चूने पत्थर के शायद पहाड़ है, ये सफ़ेद है बिल्कुल। ये फॉरेनर्स हमारे सामने गए थे, चले थे हमारे साथ चकोड़ी से। तो ब्यूटीफुल वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल यहाँ पे हैं, और वाटर क्रॉसिंग, स्कीइंग, कैंपिंग, यहाँ सब कुछ होता है। मतलब कि बहुत बर्फबारी होती होगी यहाँ पे। अब डाउन आ गया, एक और वाटरफॉल ब्यूटीफुल। एक तरफ ये बहुत ही गहरी खाई है, बहुत ज़्यादा गहरी है, नीचे देखा भी नहीं जा रहा। ये देखिए पूरा खाई है नीचे एक तरफ, इसलिए कभी बाइक चलाएं पहाड़ की साइड पे चलाएं, कोने पे, खाई की तरफ नहीं चलानी चाहिए। मेरी यहाँ से 8 किलोमीटर है बिरथी फॉल, 26 खलिया टॉप। सर मेन ट्रैक खलिया का यहीं से होता है सर, अगर खलिया जाना चाहते हैं। हाँ तो बादल बादल हैं, क्या दिखेगा? मॉर्निंग में दिख रहा है सर, हैं मॉर्निंग में पूरा व्यू दिख रहा है ऊपर से, दिख रहा है अभी सुबह दिखेगा। ये लोग सभी अभी खलिया जा रहे हैं, हमारा ये अल्पाइन रिजॉर्ट केन बेन करके ऊपर है सर। कितने का सर? हमारे यहाँ पे रूम है दो लोगों के लिए 1160 रुपया विदाउट फूड, नीचे आएगा आपको टेंट में टेंट में 1000 पर सब कुछ है भाई। ये मार्केट जाओगे उसे बुलाओ, ऊपर जाओगे तो सुबह जाना तो खिल्ले है पॉइंट तो नहीं है। हमने इस चक्कर में रुक गए, भाई का किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएंगे। मालूम तो ऊपर दिखते गए रूम मिलेगा। तीन लोगों का कितना होगा? तीन लोगों का सर 1460 रुपया है, 1460 रुपया, 1460 विदाउट फूड और फूड के साथ। फूड तो सर आप अपने हिसाब से, मेनू के हिसाब से जो खाना चाहोगे वहाँ जाके मिल जाएगा। हमें तो दाल चावल चाहिए बस। चावल मिल जाएगा सर। तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा? इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ऊपर टेंट है, टेंटिंग है, टेंट वहाँ सब व्यवस्था, टेंट भी मिल जाएगा आपको रहने के लिए, रूम भी मिल जाएगा जो चाहिए सब चीज़ मिल जाएगा। रूम मिल जाएगा, एक गर्म पानी रूम। हाँ गर्म पानी मिल जाएगा पीने रहने के लिए वहाँ पे सर। हम जा रहे हैं अभी खलिया टॉप, उससे पहले ऊपर रिसोर्ट है और यहाँ पे पार्किंग है बाइक की और कार की पार्किंग भी बाहर है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, यहाँ पे 20 रुपये की आई थिंक पर्ची कटेगी और पार्किंग 50 रुपये की बाइक की पार्किंग है। तो ये फॉरेस्ट ऑफिस का एक ऑफिस है, यहाँ पे हमने अपना सामान जमा करा दिया है और ये लठ ले लिए यहाँ से, और बाइक भी पार्क हो गई है। बाइक का 50 रुपये और 20 रुपये फीस है इनकी, ट्रैक की, जंगल डिपार्टमेंट की। तो ये ट्रैक है सामने, ये देखिए इसी तरह पूरा ट्रैक जाएगा। अभी हमने 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है और वहाँ पे स्टे की ऑप्शन होगी तो वहाँ स्टे करेंगे, और सुबह फिर 3 किलोमीटर का और ट्रैक है भाई। फाड़ू ट्रैक है ये भी, सामने देखिए ये ऐसे जा रहा है ऊपर। ये शुक्र है कि पत्थर का ट्रैक पक्का बना हुआ है। ये वाटर क्रॉसिंग, और पीछे भाई लोग आ रहे हैं, लोग सुबह 9:30 गए थे और अभी पहुंच रहे हैं वापसी, पूरा दिन ही लग जाता वहाँ पे। नियर 1 आवर हो गया हमें ट्रैक करते हुए,
और ये आगे पूरा ट्रैक ऊपर जा रहा है। थोड़ा ड्रिंक ब्रेक लिया है हमने, ये ORS का घोल बना रहे हैं एनर्जी के लिए। ORS भी पी के चल रहे हैं हम। ORS का घोल बहुत ज़रूरी है, आप जब भी ट्रैक पे आएँ तो ORS का घोल ज़रूर लेके आएँ। काफ़ी नीचे से आए हम और ये सामने जाना ऊपर हूँ बिल्कुल टॉप पे, तो अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, हाफ एन आवर में। ये हमारे जवान लोग आ रहे हैं, ये पूरा ऊपर तक जाना है, ऐसे ही ट्रैक है पूरा। तो गाइस 6:40 हो गए हैं और अंधेरा हो गया है, टॉर्च के सारे ऊपर चल रहे हैं और अभी 2 किलोमीटर का बोर्ड आया था और 4 किलोमीटर जो खलिया टॉप है और जाना है, लेकिन उससे पहले बंद कंपाउंड आधा किलोमीटर के बाद शायद एक स्टे होम स्टे वगैरह वहाँ पे टेंट वगैरह हैं, तो आज वहीं स्टे करेंगे। सांस बहुत चल रही है तो नीचे आगे आना पड़ेगा। अभी देखो आधा घंटा और लगेगा ऊपर जाने में, बिल्कुल खड़ा ट्रैक है, बिल्कुल खड़ा, हालत खराब हो गई है। सही बोल दिया उसने, ऊपर चलते हैं ऊपर। अभी जय हो। अंधेरा लगभग हो चुका है और अभी पता नहीं कितना देर का रास्ता हो रहा है। हम पहुंच गए हैं खलिया टॉप का बेस जो है हाफ पॉइंट, 2.8 किलोमीटर, और हालत मैं बताऊं पस्त हो गई है क्योंकि बिल्कुल स्टीप क्लाइम है, बिल्कुल स्टीप क्लाइम है, कहीं भी मतलब कि रात नहीं थी और अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। मुझ भाई पस्त हो गए हैं, सुरेंद्र भाई पस्त हो गए हैं, ना मैं मस्त हो गया हूँ। मिलने के बाद थोड़ी जान में जान आ गई है, आधा ट्रैक हमारा हो गया 50%, कल आधा करेंगे वापसी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दोपहर तक नीचे उतर जाएंगे। सुबह कितने 6 बजे चलें, 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे अंधेरा होगा, अच्छा 5 बजे चलेंगे KMVM। हाँ तो ये गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, अब ऑर्डर करा है थाली जिसमें सब्जी दाल चावल रोटी और इसके बाद चाय, खा के अब लौट मारते हैं। आज हमारा राइड का day 7 ख़त्म होने जा रहा है, कल शुरू होगा day 8, ट्रैक होगा खलिया, उसके बाद मुंशियारी जाएंगे, वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वापसी दिल्ली। और डिनर हमारा आ गया है और ये मैस है यहाँ की, दिखा ये देखिए, ये मैं टेबल है, ये देखिए गर्म पानी दे, ये देखिए कुल्फी जम रही है यहाँ पे, जबकि अभी वही लोगे ना ऊपर, कितना 3 किलोमीटर का ट्रैक है ना ऊपर अभी, और वहाँ भुग्याल है, 3 किलोमीटर और ट्रैक है, सुबह जाएंगे। तो गाइस अभी हम बॉन फायर का मज़ा ले रहे हैं और अभी डिनर कंप्लीट हो गया है, ये दो भाई मिले इन्हीं की वजह से हम ऊपर आए हैं। क्या क्या नाम है आपके? मेरा नाम लवी, लवी उमेर चौधरी, इन दोनों भाइयों की वजह से हम आए हैं, नहीं तो हम हमारा इरादा नहीं था। बहुत मोटिवेट किया इन्होंने, चलो चलो चलो। तो ये सेंटर पॉइंट है, ये मैस है यहाँ पे खाने का और वो पीछे कमरे लगे हुए हैं। अभी बहुत अंधेरा है, सुबह आपको व्यू नजर आएगा, बहुत बढ़िया व्यू दिखाएंगे आपको। हाँ पूरी हिमालय बेल्ट, पंचाचोली पीक वगैरह दिख जाएगी ना यहाँ से सारा। अच्छा ये मनोज भाई, सुरेंद्र भाई, तो अब बस अब जाके अभी आग थोड़ा एंजॉय करके फिर जाके सोते हैं अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी, और हम हैं खलिया टॉप के मतलब कि सेंटर में, और अभी ट्रैक शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट जो 3 किलोमीटर का, कल 3 किलोमीटर किया था, आज 3 किलोमीटर और करना है, और सुबह के 6:06 हो गए हैं। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ मुंशियारी का, ये देखिए सामने व्यू कितना शानदार, ये सारे बादल हैं, ये पहाड़ हैं, देखो सामने पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं, वो मुंशियारी सिटी है सामने, और वहाँ से हम ट्रैक करते आए हैं, वो मकान दिख रहा है उससे भी नीचे से ट्रैक करते आ रहे हैं, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है ये।
ब्यूटीफुल है। और अब मैं दिखा देता हूँ, रात को तो पता नहीं चला, KMVM का ये गेस्ट हाउस है, मतलब ये रूम्स हैं ये सारे KMVM के, वहाँ पे 15 नंबर रूम में हम ठहरे हुए थे। और ये मेस है खाने की, वो किचन है इसके पीछे। और ये टेंटिंग है, टेंट भी है इस तरफ भी है और इस तरफ भी है टेंट्स। तो ये पहाड़ चढ़ के जाना है हमने सामने, देख लो खड़ी चढ़ाई है ये पहाड़ की। तो जय भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं अपना ट्रैक। ये टेंट पिचिंग एरिया है मेरे पीछे, ये सारे टेंट लगे हुए हैं। वो KMVM का उधर है, बहुत ही खड़ी स्टीप, बिल्कुल कहते हैं ना कि 70-80% बिल्कुल क्लाइंब है पूरी। 3 किलोमीटर कल हमने क्लाइंब करी थी और 3 किलोमीटर अभी करनी है। और ये सूर्य देवता बादलों से छन छन के निकल रहे हैं, नीचे मनोज भाई, उससे नीचे हमारे सुरेंद्र भाई, और ये सामने ट्रैक जा रहा है सीधा। इसी तरह है पूरा ट्रैक, इसी तरह है बिल्कुल सेम, जंगलों के अंदर से होते हुए 1 किलोमीटर बुग्याल मिलेगा। फिर कह रहे हैं व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा 1 किलोमीटर बाद, देखते हैं। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केदारनाथ उगनाथ 2 ट्रैक किए हैं, उनसे थोड़ा ये तगड़ा है, मॉडरेट ट्रैक है ये, लेकिन 2 टाइम में ही करना चाहिए इसको। बीच में स्टे करो 3 किलोमीटर बाद, फिर 3 किलोमीटर करो बाद में, और फिर उतर जाओ सीधा। ये दूसरा साइड आ गया, और उस साइड भी दिखा देता हूँ। बादल देखो, हमारे नीचे बादल हैं और सूर्य देवता जी निकल गए हैं, और ये पहाड़ चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ये वहाँ जाना है हमने, वो बोर्ड लगा हुआ है। तो गाइस 1 किलोमीटर हम क्लाइंब कर चुके हैं, और ये बुग्याल आ गया है, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। और ये पूरा मैदान है अभी की, तो हमें 2 किलोमीटर और क्लाइंब करना है। ये अभी 1 किलोमीटर आया है। मोस्टली लोग यहाँ से होके चले जाते हैं, 0 पॉइंट तक नहीं जाते, हम चलते हैं आगे। हम पहुँच गए हैं खलिया टॉप, ये देखिए चारों तरफ का व्यू, ये पूरा खलिया टॉप है, बुग्याल है चारों तरफ, और वो है 0 पॉइंट सामने चोटी, वहाँ पे जाना है अभी। यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर और है आगे, और यहाँ पे सारे भाई बंधु रेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, मजा आ गया। मनोज भाई को तो पता ही नहीं चलता, इनके लिए तो प्लेन है ये। वो है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड्स प्ले है। हाँ, प्लेन 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 में चल रहे हैं, प्लेन भी और चाइल्ड्स प्ले। तो गाइस ये है सामने पंचाचोली पीक, 1, 2, 3, 4, 5 पहाड़ लाइन से है, और आई थिंक कैप्चर कर पा रहा होगा हमारा कैमरा, 5.7 रेजोल्यूशन है के। और ये बादल, नीचे बादल हैं सारे, ऊपर सूर्य देवता आ गए। अभी भी 1.5 किलोमीटर से ऊपर ही जाना है हमने, लेकिन चारों तरफ बादल छा गए हैं, ये देखिए पूरे बादल बादल हो गए चारों तरफ। जिस व्यू के लिए आया था वो तो बादलों ने ढक दिया है, बस ट्रैक हो रहा है हमारा, यहाँ से चलते हुए आए हैं। और ये टॉप तक जाना है, वो ऊंची चोटी दिखाई दे रही है वहाँ पे। ये बुग्याल के बाद ये ऐसा ट्रैक शुरू हो जाता है मिट्टी वाला, जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया, अब ये बुग्याल वाला रास्ता है, और बादलों ने काम खराब कर दिया, जो व्यू देखना था वो अब दिखाई नहीं देगा, बादल से ढक गया है पूरा मैदान। इस सब बादल नहीं है, ये पहाड़ नज़र आ रहे थोड़े थोड़े। यहाँ से ये ट्रैक है पत्थरों के बीच से, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से सामने से आए हैं, और पत्थरों में रास्ता घूम जाता है ये है, मगर दिखाई दे रही रास्ता सामने।
हम बादलों के भी ऊपर हैं, ये बादल आ रहे हैं ऊपर। और अब ट्रैक थोड़ा दुर्गम होता जा रहा है, पहले नॉर्मल था अब दुर्गम है। तो खलिया टॉप रह गया 1 किलोमीटर जो ऊपर आप देख रहे हैं टॉप, और 5 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से मैदान अच्छा दिख रहा है लेकिन यहाँ पूरा फॉग है। जो लास्ट पैच है 0.25 किलोमीटर वो ऐसा ही है, उस पर कोई ट्रैक नहीं बना हुआ। और ये सामने है 0 पॉइंट, ये है ट्रैक, ऐसे ही चलना है ऊपर। धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं बस ये 0 पॉइंट पे। दिस इज़ द खलिया टॉप 0 पॉइंट, और यहाँ से माउंटेन दिख रही हैं सामने। बादल ना हो तो ये सामने बहुत बढ़िया दिखाई दे। चलते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं खलिया टॉप मुंसियारी 0 पॉइंट। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। 0 पॉइंट से आगे ना जाएं, आगे नेटवर्क नहीं है और भटकने की संभावना है। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो 0 पॉइंट खलिया जो टॉप है उस पर हम पहुँच गए हैं। ये देखिए ये 0 पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है, और ये हमारे जैसे ये देखिए ये लास्ट का पैच बड़ा ही एक्सट्रीम है यार। हाँ सबसे ऊंची है ना मुंसियारी। तो ये मुंसियारी की सबसे टॉप माउंटेन है जिस पे हम आज फतेह करी है, और सामने क्या शानदार व्यू है, और दूसरी तरफ पूरी खाई है, ये पूरी खाई है दूसरी तरफ, ग्रेट। तो 8:28, तो 6:06 चले थे, तो लगभग 2 घंटे 20 मिनट में 2 आवर 20 मिनट्स में हमने अपना जो नीचे कैंप था वहाँ से 3 किलोमीटर कवर किया है। आ जा, हालत बेस्ट है, बढ़िया।